नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर और मैं रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का 2024 के स्पेशल बैच के अंदर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एसएससी वाला की पूरी टीम आप लोगों के सिलेक्शन के लिए पूरी डेडिकेशन से आ चुकी है अलग अलग एग्जाम्स को लेकर अलग अलग तरीके से यूट्यूब पर सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी आवाज़ वगैरह ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल चकाचक एकदम बिल्कुल क्लियर आप लोगों को सुनाई दे रही है मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा हूँ फटाफट बड़ से मेरे प्यारे जितने भी हमारे साथी लोग हमसे जुड़ चुके हैं एस वाले परिवार का जो हिस्सा है और भरोसा करते हैं इस चैनल के ऊपर कि हाँ यहाँ पर आने के बाद हम जरूर उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे और उतनी डेडिकेशन से मेहनत भी हम लोग करने वाले हैं तो जल्दी से पहले मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सभी को मेरी वॉइस बिल्कुल प्रॉपर ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया है ठीक है भाई फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और आज आप सभी को पता है कि एक इंट्रोडक्शन क्लास जो हमारी रहने वाली है उस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से एस एग्जाम्स के अंदर आप लोग एक बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं और मैथ्स की क्लास तो भाई आपको पता है एस की बैकबोन यानी कि रीढ़ की, की हड्डी है आपको जब तक मैथ्स जो है वो स्ट्रोंग आपका नहीं होगा स्पेशली ये जो लिखा हुआ है ना वर्ड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसमें आप लोग जब तक आपका मैथ स्ट्रॉग नहीं होगा तब तक आप बेस्ट परफॉर्मेंस अपने एग्जाम के अंदर नहीं लेके आ पाएंगे क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में 100% परसेंट एक्यूरेसी के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही आप लोगों को ये फील करा देता है कि आप इस एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं आप इस एग्जाम के अंदर रैंक लाने वाले हैं या आप इस एग्जाम्स के अंदर इस बार अच्छा परफॉर्म नहीं करके आ पाए हैं आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैं देख पा रहा हूं कि ऐसे होंगे जो पहली बार मेरी क्लास में आ रहे होंगे या शायद पहली बार मुझे देख रहे होंगे लेकिन एस वाला यूट्यूब चैनल को जो बच्चे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो जरूर मेरी क्लासेस को जो है आ, पहले से जानते होंगे और मेरे पढ़ाने का जो तरीका है मेरे पढ़ाने का जो अंदाज है वो उससे अच्छे तरीके से जो है फेमिलियर है जानते हैं उन सब चीजों को ठीक है तो एक बार जितने भी हमारे स्टूडेंट लगातार मेरी क्लासेस को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो वो तो एक बार लिख लो सर जानते हैं और जो पहली बार आए हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए सर फर्स्ट क्लास है ठीक है तो जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि भाई पिछले सात से आठ साल से एस एग्जाम्स को मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूँ और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चों को जो है उनके मुकाम तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं मैंने पूरी डेडिकेशन से काम किया है और ये धीरे धीरे करके आप सभी को मेरे बारे में पता भी लग जाएगा कि किस तरीके से हम एस एग्जाम्स को टारगेट करते हैं और देखो आपको मैं एक चीज क्लियर बता देता हूं कि अभी मेरे पास जो जिम्मेदारी दी गई है वो एस एस सी सी और एम टी एस की एग्जाम्स को दी गई है बाकी अदर एग्जाम्स की जिम्मेदारी भी हमारे पास और भी फैकल्टीज हैं तो वो लगातार अपनी क्लासेस को आपको प्रोवाइड करते रहेंगे तो लगातार आपको पढ़ना है और मेहनत करनी है अब मैथ्स इंट्रोडक्शन यानी कि फाउंडेशन बैच जो आप लोगों का होने वाला है इस फाउंडेशन बैच में क्या खास है क्या YouTube पर आप लोगों को बेस्ट मिलने वाला है इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा आपके सामने करना चाहूंगा तो सबसे पहले तो वो आपको बता देता हूँ कि फाउंडेशन बैच ये रहने वाला है इंट्रोडक्शन क्लास हमारी रहेगी और इंट्रोडक्शन uh, के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा भाई पढ़ाई भी कराई जाएगी ठीक है ठीक है कृष्णा पांडे कह रहे सर मेरा रह हा बिल्कुल भाई आपका नाम रखेंगे आप बिल्कुल टेंशन मतलब देखो नाम से कुछ नहीं होगा काम अच्छा करेंगे तो नाम आपका अपने आप हो जाएगा ठीक है चलिए गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सभी को गुड मॉर्निंग तो आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास का लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है और सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एस फाउंडेशन बैच हमारा है इसके अंदर कौन कौन से फैकल्टी मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस ठीक है करंट अफेयर के कौन कौन से फैकल्टी आप लोगों के साथ जुड़ते हैं तो सुबह सात बजे कृति मैम आपके साथ आती हैं उसके बाद आठ बजे अभी संदीप सर आपको पढ़ा के गए हैं नौ बजे मैं यानी कि रविंदर सिंह ठीक है उसके बाद दस बजे भ्रगु सर आपको मिलेंगे ग्यारह बजे आप लोगों को यहां पर फिर दोबारा से जीके जीएस के लिए कृति मैम आएंगी और बारह बजे सचिन सर आएंगे ये टाइम टेबल को नोट कर लो मैं आपको बता देता हूं कि सुबह सात बजे से लेकर और बारह बजे तक स्पेशली जो बच्चे सीजीएल की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं यानी डे का फर्स्ट हाफ जो रहने वाला है वो आप लोगों के लिए एस एग्जाम्स के लिए बिल्कुल फ्री एस फाउंडेशन बैच आपको मिल रहा है डब्ल्यू प्लेटफॉर्म जाना जाता है अपनी बेस्ट एजुकेशन क्वालिफिक क्वालिटी के लिए तो यह क्वालिटी आपको यहां पर मिलने वाली है बस थोड़ा सा आप लोगों को जो है लगातार प्रिपरेशन करनी है तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं अपनी क्लास की शुरुआत करता हूँ बिना ज्यादा समय लिए हुए ठीक है और आप लोगों का बिना टाइम ज्यादा खराब करे हुए तो एस फाउंडेशन बैच अगर हम बात करें यूट्यूब पर एक फ्री बैच आप लोगों को दो एग्जाम्स को टारगेट कर, करते हुए आज हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है तो पहली क्लास है तो आप सभी का वेलकम करते हैं और आप सभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जो है इस क्लास को सभी स्टूडेंट्स के बारे जो है वहां तक पहुंचाएंगे और बताएंगे भाई यहां पर जो क्लास है वो किस तरीके से चलती है और क्या क्या उसके अंदर हम लोग रखने वाले हैं ठीक है तो लगातार इस क्लास को आप लोग फॉलो करिएगा ठीक है रिकॉर्डेड क्लास भी आप लोगों को हाँ इसकी एक प्ले हम लोग बनवा देंगे उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी आप लोगों को जो है वो मिलती चली जाएगी ठीक है यानी कि जैसी क्लास कंप्लीट होगी तो आप बाद में रिवीजन के लिए भी इन क्लासेस को देख सकते हैं ठीक है एक बात ध्यान रखना अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की, की तैयारी कर रहे हैं तो ये हंड्रेड परसेंट ठीक है ये प्रॉमिस है मेरा आप लोगों का आप लोगों से कि हंड्रेड परसेंट ये क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जाएंगे तो उसके लिए क्लास आप लोगों के लिए हंड्रेड बेनिफिशियल होने वाली है अब अगर हम बात करते हैं हाँ प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी थोड़ा सा सब्र करें मैं बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आज की क्लास आपके लिए बना के लेके आया हूँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं जरूर देना चाहूंगा किस तरीके से मैं चीजों को लेके आने वाला हूं और क्या क्या चीजें मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ाने वाला हूं लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं कि भाई देखो राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है जिसने रातों से है जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है ठीक है मेरे दोस्त यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी सूर्य की तरह वही चमकेगा जो मेहनत करेगा मिडिल क्लास के जो फैमिली होती है मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत के दम पर ही अपनी परिस्थिति को बदलने का दम रखते हैं क्योंकि तो और तो कोई साधन है नहीं तो मेहनत ही एकमात्र जरिया है हम लोगों के पास कि हम अपनी मेहनत से जो है सिलेक्शन लेंगे और अपनी परिस्थितियों को बदलेंगे ठीक है तो इस डेडिकेशन से ये पहली क्लास के अंदर आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि सीजीएल के लिए सी के लिए सी के लिए जो बच्चे सीडीएस भी लिख रहे हैं देखो तो अभी आप लोगों को क्या करना है कि मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये क्लास हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को टारगेट करते हुए बनाई हुई है आप इस क्लास को लीजिए और फिर खुद से डिसाइड करना है आप लोगों ने कि क्या सच में ये क्लास हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस क्लास के अंदर फाउंडेशन बैच में आपको पढ़ा रहा हूं इस फाउंडेशन बैच में मैं कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को कवर कराने वाला हूं जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं कि फाउंडेशन फाउंडेशन बैच बैच में में सर क्या होने वाला है तो में अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर आपको देख रहा है कि कुछ के मैंने टॉपिक्स लिए हुए ये सारे टॉपिक्स में आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने वाला हूं लेकिन जैसा आप लोग पैसा देके है ना एक बैच परचेज करते हैं इसी तरीके से एक, एक काम करना आज एक ना मतलब कि पांच सौ रुपए आठ सौ रुपए हजार रुपए निकालकर एक जगह रख देना और यह बोलना कि मैंने यह पैसा जो है रख के भूल जाना आप और बोलना कि नहीं सुबह बजे क्लास होती है उस क्लास के लिए मैंने पैसा दिया हुआ है ठीक है और मैं बताऊंगा उस पैसे का इस्तेमाल फिर आगे कैसे करना किताबों में लेकिन अभी आप लोगों को जो कंटेंट मिल रहा है वो बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आप खुद से डिसाइड करेंगे कि है कि नहीं है ठीक है तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूं तो अर्थमेटिक सेक्शन के अंदर ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा और मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी क्लास के बाद कि हमारी जो क्लास है चैप्टर वाइज में कौन से चैप्टर को हम लोग पहले ले और उसके बाद किस चैप्टर को हम बाद में ले ठीक है क्वेश्चन होगा बिल्कुल होगा होगा चैप्टर वाइज हो और किस तरीके से होगा मैं आपको बताने वाला हूं एक बच्चा मजे ले रहा है कह रहा केमिस्ट्री केमिस्ट्री नहीं हो नहीं होगा बेटा केमिस्ट्री भी होगी आपकी और मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी देखना ठीक है ना केमिस्ट्री भी होगी फिजिक्स भी होगी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड रिएक्शन ठीक है हम आपको न्यूटन भी पढ़ाएंगे लेकिन अभी पहले आप थोड़ा सा गणित पे ध्यान दीजिए ठीक है तो देखो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ये सारी की सारी जो यूनिट्स हैं ये सारी की सारी जो यूनिट्स हैं वो परसेंटेज की हैं है ना आप सभी को पता है कि सर ये जो परसेंटेज हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया ये सारी की सारी जो यूनिट्स हैं वो परसेंटेज की हैं इसके बाद चलते हैं रेशो की यूनिट पे तो रेशो के अंदर रेशो प्रपोर्शन हो गया मिक्सचर एलिगेशन हो गया पार्टनरशिप हो गया ठीक है उसके बाद एवरेज और एजेस ये सारा जो कॉन्सेप्ट होता है ये रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है तो मैं इस तरीके से पार्ट वाइज आप लोगों को बढ़िया तरीके से बताऊंगा ठीक है आगे देखते हैं तो सर टाइम एंड वर्क अगर पढ़ा तो भाई वर्क एंड वेजेस और पाइप एंड सिस्टम कैसे नहीं पढ़ा क्योंकि टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम और वर्क एंड वेजेस ये सारा का सारा एक पार्ट होता है तो यहां से आप लोगों को बेटर आइडिया मिल रहा होगा किस तरीके से मैं प्लानिंग आप लोगों के लिए यहां पर लेके आया हूं ठीक है आगे देखते हैं सर अगर मैंने ट्रेन आपको पढ़ाया तो टाइम स्पीड डिस्टेंस भी मैं ही पढ़ाऊंगा और बोट एंड स्ट्रीम भी एक साथ पढ़ाऊंगा तो ये जो यूनिट्स हैं ये आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड यूनिट है पॉइंट और नॉट देखो भाई थोड़ा सा ऑफिसर्स बनना है तो इंग्लिश भी समझनी पड़ेगी इंग्लिश भी बोलनी आनी चाहिए ठीक है तो बात समझ में आई परसेंटेज की यूनिट आपके सामने दिख गई उसके बाद रेशो की यूनिट आप लोगों को दिख गई तो दिस इज द यूनिट नंबर वन दिस इज द यूनिट नंबर दिस दिस इज इज द द यूनिट 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 नंबर 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 एंड ये चार है है ठीक तो आपको दिखाई दे रहा होगा सर यहां पर अब इसके बाद एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है आपके एस के एग्जाम्स में जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आपके एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके एग्जाम के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये डिपेंड करता है कि आप कहां पर किस एनवायरमेंट में आप लोग पढ़े हुए हैं तो प्रोबेबिलिटी हम बेस्ट बनाएंगे और प्रोबेबिलिटी 100 परसेंट का मतलब होता है तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रोबेबिलिटी रहे ठीक है दोस्त तो आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा ना किस तरीके से प्लानिंग में लेके आए अब आ गया है वो पार्ट जिसको देख के बच्चे घबराते हैं ठीक है तो अगर हम बात करें सर एडवांस मैथ्स जो कि मेरा दिल के बहुत करीब है और मैं बहुत टाइम से कोशिश भी कर रहा था कि मैं जितने भी बच्चे एस वाला यूट्यूब चैनल पर मेरे से पढ़ते थे उनको एडवांस मैथ्स की भी अपॉर्चुनिटी मिले मेरे से और अब एडवांस मैथ्स में आपको बताता हूं इक्वेशन तो देखो डाटा इंटरप्रिटेशन आप लोग कई बच्चे कई लोग बोलते हैं लेकिन ये ना अर्थमेटिक का ही पोर्शन है रेशियो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज इन सब का जो बेसिकली जो मिक्स पार्ट होता है

जब भी कोई बच्चा एस एग्जाम्स की तैयारी करता है तो नंबर सिस्टम से उसको बड़ा मजा आता है बोलो यस और नो एग्री करते हो मेरी बात से फटाफट बड़ से बताइएगा क्या आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं ठीक है उसके बाद एलसीएम कैलकुलेशन एंड और ये सारे के सारे जो पार्ट है नंबर सिस्टम के सब एच सी एफ एलसीएम कैलकुलेशन एंड सर्ट्स एंड इंडे ठीक है and and तो ये सारे के सारे पार्ट जो है वो नंबर सिस्टम के ही होते हैं ठीक है टाइम टेबल बता दिया है मैंने अगर टाइम टेबल किसी बच्चे को जानना है तो भाई एक बार दोबारा देख लो कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको टाइम टेबल भी बता देता हूँ लेकिन बार बार एक ही चीज को पूछोगे तो ठीक नहीं लगेगा ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये हमारा पूरा एस फाउंडेशन बैच के टाइम टेबल है सुबह सात बजे करंट अफेयर से लेकर और दोपहर बारह से एक यानी कि आपका बारह बजे क्लास क्योंकि एक बजे तक आपकी ये पूरी की पूरी क्लासेस जो है आपको मिलने वाली है दोस्त ठीक है

जो 2024 के अंदर सच में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं उनको रोज इस क्लास के अंदर मंडे टू सैटरडे मंडे टू सैटरडे आप लोगों को इन क्लासेस के अंदर सुबह नौ बजे आना होगा और मैं कोशिश करूंगा कि संडे को भी आप लोगों को मैं उन चीजों को कराऊं जो चीजें बेसिकली मैं पूरे वीक आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है तो संडे की क्लासेस के लिए जब आप मंडे टू सैटरडे हमारे साथ जुड़ेंगे तो संडे की क्लासेस अगर मैं कोई प्लान करता हूं तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको सेम टाइम पर इसी क्लास के अंदर दे दूंगा ठीक है तो आपकी अवेलेबिलिटी ही आपका डिपेंड करती है कि आप सिलेक्शन की तरफ कितना जल्दी जाते हैं ठीक है क्लियर हो गया है ठीक है तो आगे अभी देखते जाइए थोड़ा सा सब्र रखो देखो आज ऐसा हो सकता है ना कि आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार मेरे से जुड़ रहे हो अब अभी थोड़ी देर पहले कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर पीडीएफ कहां मिलेगा क्लास के जो सॉल्यूशंस हैं वो हमें कहां मिलेंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा सर जो क्वेश्चंस मैं अपने अपनी क्लास में कराऊंगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे यानी कि क्लास क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिलने वाले हैं साथ में जो पीडीएफ मिलेगी विद सॉल्यूशन क्योंकि आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसका सॉल्यूशन यहां पर रहेगा तो जो पीडीएफ मिलेगी विद सॉल्यूशन उसके लिए टेलीग्राम चैनल आप लोगों को जो है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा हमारा पीडब्ल्यू का स्पेशल टेलीग्राम चैनल है उसका जो जैसे आप कनेक्ट होंगे वो मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा किस तरीके से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ठीक है दोस्तों अब आता है सर क्लास टाइम क्या है तो जो क्लास टाइम है जो क्लास टाइम है यह आप लोगों का जो क्लास टाइम रहेगा वो मंडे टू सैटरडे मंडे टू सैटरडे सुबह नौ बजे ठीक है क्लियर हो गया तो मंडे टू सैटरडे आप लोगों के जो क्वेश्चन मतलब जो क्लास रहेगी वो मंडे टू सैटरडे रहने वाली है और रेगुलर ये क्लास आप लोगों की सुबह नौ बजे लाइव आपको मिलेगी ठीक है क्लियर हो गया सभी को है ना अब ध्यान से देखते जाइएगा देखो मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों को देखो स्टूडेंट एक लाइन बोलता हूं मैं स्टूडेंट मस्ट बी सेल्फिश स्टूडेंट को सेल्फिश होना चाहिए जहां पर गुड क्वालिटी क्वेश्चंस मिल रहे हैं बिल्कुल तुरंत पकड़ो पीछे पड़ जाओ उसके चाहे वो इंग्लिश हो मैथ हो रीजनिंग हो जीएस हो चाहे वो कहीं भी पढ़ा रहे हो स्टूडेंट मस्ट बी सेल्फिश स्टूडेंट को दीवाना नहीं होना मेरी बात समझना मेरे भाई मैं हमेशा से जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को छोटे भाई बहन की तरह ही मानता हूं ठीक है स्टूडेंट को बहुत ज्यादा भक्त भी नहीं बनना है स्टूडेंट मस्ट बी सेल्फिश जहां से बेस्ट मिले वहां से पकड़ लो ठीक है जो चीज अच्छी है कैच कर लो ठीक है भक्त नहीं बनना ये बात ध्यान रखना अगर भक्त बन गए तो भैया फिर हरिद्वार है ठीक है वहां पर संतरी कपड़े बहुत बढ़िया मिलते ठीक है है भक्त नहीं बनना है, मैं पहले बता रहा हूं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है तो मेरी क्लास में आना और अगर नहीं लगता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है अवेलेबिलिटी बहुत है ओपन चैलेंज एंड ओपन वर्ड्स ठीक है एक बात और ध्यान रखना मेरे को कभी भी ये मत बोलना कि आ, सर ये पढ़ा दो ऐसे पढ़ा दो वैसे पढ़ा दो आई डोंट टीच वट यू वॉन्ट एक बात ध्यान रखना आई डोंट टीच वट यू वॉन्ट आई ओनली टीच वट यू नीड ठीक है मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा जो तुम चाहते हो मैं वो पढ़ाऊंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है बात समझ में आई हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया है मैंने क्योंकि मेरी क्लास की जो पीडीएफ है वो भी हिंदी इंग्लिश में मिलेगी और मेरे वर्ड भी हिंदी इंग्लिश में आएंगे ठीक है तो आई

ये देखो इनको मैं बोलता हूँ चुन्नू मुन्नू ऑफिसर्स मतलब ये मेरी लाइन है तो आप रेडी है क्लास के लिए मैं आज की क्लास में थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहूंगा कि कितना आप लोगों ने यूट्यूब से पढ़ा हुआ है कितना आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर से ज्ञान लेके आप लोगों ने संभाल के रखा हुआ है तो आर यू रेडी फॉर द क्लास क्या आप लोग क्लास के लिए रेडी हैं ठीक है सर नेम बता दीजिए चैनल का मैथ्स बाय रविंदर सर ठीक है मेरा नाम रविंदर है तो मैथ्स बाय रविंदर सर के नाम से पीडब्ल्यू का हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है ठीक है तो है ना भाई देखो फर्स्ट क्लास है आप में से कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा इतनी देर से सर बातें कर रहे हैं तो बेटा अब देखो पढ़ाई ये पहली क्लास थी कल आके दोबारा थोड़ा ना तुम लोगों को ये बताने वाला हूं तो दिस इज द फर्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आने वाला है थोड़ा सा मैं यहाँ पर टाइमर का इस्तेमाल करूंगा आज की क्लास के अंदर क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो टाइम के अंदर भी क्वेश्चन को जानते हैं सॉल्व करना तो रेडी कॉपी पेन निकाल लो पेन का ढक्कन निकाल के साइड कर दो व्हाइट कलर का पेज एक बिल्कुल चकाचक निकाल लो और पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आने वाला है आज थोड़ा सा आप लोगों के सामने मैं यहां पर चेक करूंगा कि कितने बच्चे जो है क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं और क्या क्या उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है फटाफट से बताइएगा क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं आप कहीं भी पढ़ते हो कैसे भी पढ़ते हो जैसे भी पढ़ते हो मैं आपको अब आज की क्लास देखो अब एक काम करना लास्ट के 40 मिनट ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते रहना आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिक काम करती है एग्जाम के अंदर या बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी काम करती है ठीक है अभी देख रहे एकदम बिल्कुल विद इन टेन मिनट्स आप लोगों की आंखें खोल दूंगा मैं कि एस के एग्जाम्स को ट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकते एस के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए बेसिक कंसेप्ट आप लोगों का बेस्ट होना चाहिए अब मैं बताता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन को जानते हैं कि सर जब भी ऐसा नंबर जैसे अंडर उड बयालीस अंडर उड बयालीस अंडर उड बयालीस अप टू इन्फिनिटी तक जाता है तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इनको पता है अच्छे से कि सर जब भी ऐसा नंबर होता है तो इस नंबर को हम दो नंबरों में ऐसे तोड़ते हैं जिनका गुणनफल बयालीस हो लेकिन उनके बीच का अंतर एक हो यानी कहने का मतलब है कि इनके बीच में जो डिफरेंस हो वो वन का हो या दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हो तो आप यह बोलेंगे कि सर अगर यह सिक्स इन टू में सेवन है सिक्स इन टू में सेवन है तो यहां पर आप हम बोलते हैं कि सर प्लस जो होता है और जो माइनस साइन अगर प्लस प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होता है अगर प्लस प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होता है और अगर माइनस माइनस का साइन है तो छोटी संख्या हमारा आंसर होता है यही होता है ना तो आपने यहां पर देखा कि सर अगर यहां पर प्लस प्लस का साइन था अगर यहां पर प्लस प्लस का साइन था तो बड़ी संख्या हमारा आंसर होगा यानी क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा ठीक है बात क्लियर होगी अभी देखना इसकी आगे पीछे की जितनी भी बातें वो मैं इसी सेशन के अंदर विद इन टेन मिनट्स आपको बताने वाला हूं तो एक बार चेक करते हैं कि डी ऑप्शन यहां पर कितने बच्चों ने लगाया है और लगभग सेवेंटी वन परसेंट ऐसे बच्चे हैं जिनका आंसर सही है और सी लगाने वाले बच्चे में बताता हूं कि उन्होंने क्या करा। एक्चुअली आधी अधूरी जो है वो में कही ना कही संख्या लगाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन एक और आपके सामने देता हूं इस बार ध्यान से करना और फोर्टी फाइव का टाइम आप लोगों को यहां पर मिलने वाला है जल्दी से बताएगा दोस्तों शाबाश क्या आंसर बनेगा इसका बताइए तो अंडर रूट 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 अंडर अंडर का मान क्या होगा ठीक है अभी देखते जाइएगा मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसी क्लास में क्लियर करूंगा शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ आपको सारी चीजें बताऊंगा क्योंकि कनेक्ट करना बहुत जरूरी है ठीक है और साथ में उन लोगों को भी जोड़ना जरूरी है जो प्रैक्टिस के लिए क्लास के अंदर आते हैं तो यूट्यूब पर दोनों ही तरीके के स्टूडेंट जो है वो क्लास में देखने को मिलते हैं कि कुछ बच्चे पहले से पढ़े होते हैं कुछ बच्चे जो है कुछ चीजें बेसिक तरीके से क्लियर करना चाहते तो हम दोनों तरीके से आपको पढ़ाने वाले अब आपने देखा कि सर यहाँ पर जो नंबर नंबर हमारे पास बना उस नंबर में अगर हम 12 की बात करें तो सर 12 जो होता है वो 4 होता है चार बारह होता है तो अगर आपको दिख रहा है सर प्लस प्लस का साइन है तो क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर इस बार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस बार परसेंटेज आप खुद देखना क्या परसेंटेज आपकी लाइव क्लास में आपको मैं दिखा देता हूं मुझे पता नहीं है कि कितने बच्चों ने लगाया लेकिन परसेंटेज आप खुद चेक कर लेना ये देखो नाइनटी वन परसेंट आया कि नहीं आया ठीक है हाँ जी बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे थोड़ा सा भी मैं आपसे पूछूंगा कि कल से किस चैप्टर से हम अपनी क्लास की शुरुआत करें लेकिन थोड़ा सा बने रहिए ना क्लास के अंदर थोड़ा पढ़ाने भी दो नहीं तो पढ़ने वाले बच्चों को लगेगा कि यार सर तो बातें कर रहे हैं बस है ना मेरे भाई चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के आंसर को बताना जरा ठीक है इस क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा क्या रहेगा अब ध्यान से करना है इसको फटाफट से चलो थोड़ा सा घुमाता हूं क्वेश्चन ठीक है थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता हूं फटाफट से बताओ अब इसमें गलती मत करना क्योंकि जल्दबाजी में जो है ना वो कहते हैं ना नजर हटी और तुरंत दुर्घटना घटी वो इस क्वेश्चन में हो सकता है नजर हटी और तुरंत दुर्घटना घटी ऐसा हो सकता है इसलिए बड़े ध्यान से करिएगा ठीक है तो यहां पर लिखा है दो प्लस में अंडर उड दो प्लस अंडर उड दो प्लस अंडर उड दो का मान क्या होगा अब देखना मैं इसी क्लास के अंदर आपको बताता हूँ कि कितने बच्चे जल्दबाजी में एग्जाम में एग्जामिनर के कब्जे में आ जाते हैं कितनी जल्दी वो गलत आंसर की तरफ अप्रोच कर जाते हैं ठीक है चलो फटाफट से बताइएगा शाबाश क्या बनने वाला है आंसर एक कह रहा है नजर हटी और सब्जी पूरी बटी बेटा भंडारा ही खाओगे तुम जिंदगी में भंडारा करना मत कभी भी लेकिन भंडारा खाने जरूर पहुंच जाना ठीक है <laughs> अब देखिए ध्यान से सर यहां पर ना ये दो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो दो का दो ऐसे लिखी है अब यहां पर देखो सर अंडर दो, 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 अप टू इंफिनिटी तो अंडर कि दो जो है वो वन इंटू टू का प्रोडक्ट है वो एक गुणा में दो का प्रोडक्ट है अगर वो एक गुणा में दो का प्रोडक्ट है तो आपने यहां पर बोला कि सर प्लस प्लस के लिए दो यानी कि यहां पर इसके लिए आंसर दो आएगा तो ये दो जो है ना उसको ऐसे ही लिखो और यहां से जो आंसर है वो दो आ रहा है और दो प्लस में दो क्या होता है चार होता है यानी कि आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है डी आंसर आंसर इसका करेक्ट आंसर बनेगा और यहां पर अगर हम बात करें तो फोर्टी बच्चों ने डी आंसर लगाया और छत्तीस जो बच्चे हैं उन्होंने क्या करा उन्होंने ना दो लगा दिया क्योंकि उन्होंने बाहर वाले नंबर को इग्नोर कर दिया और मैंने पहले ही बोला था कि अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी वो अलग बात है कि तुम बोल रहे हो हलवा पूरी बटी और भंडारा बटा वो अलग चीज है लेकिन भाई साहब ये गलत हो जाएगा ठीक है तो लाइव क्लास में ही आपको समझा दूंगा कि कहां पर क्या गलती कर सकते हो और कितना सुधारने की जरूरत है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपके सामने जो आने वाला है अब देखो जरा अब आएगी असली कहानी अब पता लगेगा कि भाई कौन बालक कितना जानता है आओ भाई अब मेरी बात को कनेक्ट करने की कोशिश करना थोड़ा सा समय लगाकर ठीक है आइए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा फटाफट बड़ से बताओ मेरे दोस्त चलो कितने बच्चे इस चीज को जानते हैं पोल नहीं आता देखो मैं आपको बता देता हूं कि पोल की जो उन बच्चों को पता नहीं है जैसे ही मैंने टाइमर ऑन किया तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अगर इस टाइम के अंदर कमेंट डाल देंगे तो पोल ऑटोमेटिकली आपके आंसर को पकड़ लेगा और एट द लास्ट क्लास मैं आप लोगों के नाम भी शो कर दूंगा कि, कि किस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही था ठीक है अब देखना ध्यान से कि सर अगर मैं आपको बोलता हूं अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर क्या हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सर ये तो यहां पर जो है मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि दस मिनट का टाइम देना है आप लोगों ने मुझे मैंने आपको पहले ही बोला था मुझे दस मिनट का टाइम देना है आप लोगों ने और उसके बाद मैं आप लोगों की आंखें खोल दूंगा कि एस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ ट्रिक काम नहीं करेगी बेसिक कॉन्सेप्ट भी काम करेगा अंडर रूट उठनो अंडर रूट उठनो अंडर रूट उठनो अब ये दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल नहीं है और जब कोई नंबर देखो तो को दो ही चीज होंगी या तो कोई नंबर आपका दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होगा बात को समझना दो ही चीज तो संभव है दो ही पॉसिबिलिटी तो बनेगी या तो कोई नंबर दो नंबर दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होगा या नहीं होगा भाई दो ही चीज है अगर सर होगा तो पता है लेकिन नहीं होगा तो बता दीजिए तो आइए समझते हैं इसके लिए मेरे भाई एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट होता है अंडर रूट के अंदर फोर एक्स प्लस वन और बाहर प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाय टू इसे याद करना है इसे अपनी कॉपी में नोट करना है इसे नोट करना है और जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो एक रजिस्टर बना लो ठीक है अगर आप यूट्यूब से बेस्ट परफॉर्मेंस लाना चाहते हैं तो अपने लिए आज से एक रजिस्टर मेंटेन कर लेना सुबह नौ बजे वाली क्लास लिख लेना और जो तुम लिखना चाहो राधे राधे जय श्री राम अपना नाम हमारा नाम जो लिखना चाहो वो कर लेना ठीक है अब देखो सर

अगर आप लोगों ने देखा कि सर ये दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है तो मैं यहां पर इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकता हूं कि अंडर रूट फोर एक्स प्लस वन प्लस माइनस वन डिवाइड बाई टू देखो अगर आप एग्जाम के अंदर नंबर को पहचान पा रहे हैं कि सर ये दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीपल है तब तो उससे बेस्ट बात हो ही नहीं सकती लेकिन अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि सर बारह किस नंबर पर टूट रहा है या मान लो कोई बड़ा नंबर किस नंबर पर टूट रहा है तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है आप हर एक क्वेश्चन में चाहे वो किसी नंबर का मल्टीपल हो या ना हो आप इस कंसेप्ट से क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं ध्यान से देखना जरा ठीक है।, है अब ये देखो अंडर रूट के अंदर सर फोर इन में ट्वेल्व प्लस वन और प्लस माइनस की जगह सर बार प्लस वन डिवाइड बाई टू बारह चौक अड़तालीस और एक उन्चास तो अंडर रूट उनचास प्लस में एक बटे में दो सर 49 की वैल्यू 7 प्लस में एक बटे में दो तो सर 8 बटे में दो क्या आपके क्वेश्चन का आंसर चार आ रहा है बोलो क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा बोलो भाई समझ में आया कि नहीं फटाफट पड़ से बताइए जरा एक बार देखो मैंने आपको पहले ही बोला है आई डोंट टीच वट यू वॉन्ट आई ओनली टीच वट यू नीड मैं जल्दी पढ़ाऊं तेज पढ़ाऊं चुपचाप पढ़ो एक दिन में सिलेक्शन नहीं होगा मैं आपको बता देता हूं लगातार दो से तीन महीने डेडिकेशन से सुबह नौ पड़ेगा तब जाके बात बनेगी ऐसे नहीं होगा यूट्यूब पे यही तो कमी है बच्चे आते हैं हैं और सोचते ये तो हमें आता है कुछ और पढ़ाओ थोड़ा सब्र रखो सब मिलेगा ठीक है लेकिन टेंशन मत रखो बात को समझ में आई क्लियर हो गया अंडरस्टैंड द पॉइंट तो अगर मैं आप लोगों को यहां पर बोलता हूं अगर मैं आपको बोलता हूं जैसे अंडर अच्छा मुझे एक चीज बताइए तो सर से क्वेश्चन के छोटा नंबर बता आंसर को आराम से निकाल सकते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन आप मेरी बात को समझना मैं किस तरीके से आपको यहां पर बताने वाला हूं ठीक है चलो तो आपने यहां पर बोला कि सर इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो तीन गुणा में दो हमने पहचान लिया दो इसका आंसर है लेकिन अगर मैं यहीं पर इस कंसेप्ट का लगाऊं सर लगाऊर प्लस माइनस तो माइनस 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 तो का वन बटे में दो पच्चीस तो माइनस में एक बटे में दो सर पच्चीस की वैल्यू पांच माइनस एक बटे में दो सर चार बटे में दो अब एक बार कमेंट सेक्शन में दिल बना के भेज दो फटाफट से सर दिल से पढ़ा रहे हो सच में समझ में आ रहा है अगर हम इस बात को पहचान पा रहे हैं कि ये दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है तब तो उससे बेस्ट हो ही नहीं सकता लेकिन अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो भाई इस बात को याद रख लो मैंने तीन बार इस फार्मूले को लिख दिया है क्लास में ही आप लोगों को चीजें याद हो गई होंगी अगर आप फुली डेडिकेशन तरीके से इस क्लास को फॉलो कर रहे हो अगर आप फुली डेडिकेशन तरीके से इस क्लास को फॉलो कर रहे हो तो मजा आ जाएगा देखो ये जो कमेंट सेक्शन में जो दिल बन के आते हैं ना इससे मुझे एक फीलिंग आती है कि हमारे दिल की बात आप तक पहुंच पा रही है ठीक है बहुत बढ़िया भाई दीपक कोई दिक्कत नहीं है देखो एस में अगर नहीं हो पा रहा है तो सीजीएल की आप आ जाइए डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अब मैं आप लोगों को सामने जो है कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस और लगाता हूं तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई इसको नोट करना है जब भी मैं कोई चीज स्पेशल आप लोगों को बताऊंगा तो इसको नोट करना है ठीक है अब अगले क्वेश्चन का आंसर तेजी से बताइए फटाफट से बताओ 45 सेकंड का टाइम है परसेंटेज 100 परसेंट रहनी चाहिए 100 परसेंट परसेंटेज आपकी बननी चाहिए फटाफट से बता दो चलो शाबाश बोलो भाई बोलो शाबाश फटाफट से बताइए जैसा अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर देंगे इससे मुझे पता लग जाएगा कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी समझ में आई और आप बढ़िया तरीके से डेडिकेशन से काम भी कर रहे हैं ठीक है तो आपने यहां पर बोला सर उन्नीस किसी भी क्रमागत संख्याओं को गुणनफल नहीं होता नाइनटीन जो है वो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीपल नहीं होता हम इसे तोड़ नहीं पाएंगे तो तोड़ नहीं पाएंगे तो इसका तोड़ मैंने आपको बता दिया है अंडर रूट फोर एक्स प्लस वन प्लस माइनस वन बटे में दो अब एक बार दिल पे हाथ रख के बताना कि सर इतनी बार इस कंसेप्ट को लिख दिया है क्लास में ही याद हो गया है अब इस बार माइनस साइन लगाएंगे क्यों क्योंकि सर माइनस 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 है तो प्लस की करेक्ट आंसर हो गया ना याद तो मैंने आपको यही बोला था कि आप अगर इन क्लासेस को रेगुलर फॉलो करोगे ना तो मैं क्लास में इतनी बार चीजों को रखवा दूंगा कि आप लोगों को याद हो जाएगा ठीक है चलो अब सारे बच्चे बिल्कुल एकदम फ्लो में आ चुके हैं और मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी मेरी बात को समझना स्टार्ट कर चुके हैं तो मुझे बताइए कि फ्रॉम टुमारो यानी कि फ्रॉम कल से ठीक है फ्रॉम कल से ठीक है मैं किस चैप्टर से अपनी क्लास की शुरुआत करूं मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं ठीक है फिर टाइमर भी लगाऊंगा आपके सामने ठीक है तो पहला मैं है रेशो प्रपोर्शन रेशो प्रपोर्शन ठीक है दूसरा है परसेंटेज दूसरा है परसेंटेज और तीसरा है नंबर सिस्टम इन तीनों में से हम किसी भी चैप्टर से क्लासेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं तो आपको मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूं ठीक है एक, मिनट का मैंने पर टाइमर लगाया है। एक बार कमेंट सेक्शन में जरा फटाफट फ़ड़ से बताइए फ्रॉम कल से रेशियो परपोर्शन पढ़ाना स्टार्ट करूं टॉपिक वाइज परसेंटेज पढ़ाना स्टार्ट करूं नंबर सिस्टम एडवांस मैथ्स एक दो मतलब कि एक हफ्ते के बाद पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ठीक है एडवांस मैथ्स एक हफ्ते के पढ़ाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम पहले एक बार एथमेटिक सेक्शन में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए और इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना ठीक है जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं परसेंटेज से काम होगा कुछ बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लास देखेंगे तो वो ऑफलाइन कमेंट कर देना वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ देना ठीक है बारह एक बजे के आसपास कमेंट छोड़ देना तब तक बहुत अच्छा खासा टाइम रहेगा जिससे कि मैं आपके कमेंट्स को पढ़कर और ये डिसाइड कर पाऊंगा कि भाई किस चैप्टर से हमारे जो स्टूडेंट्स हमारी जो ऑडियंस हमसे जुड़ी हुई है है ना उनको किस चैप्टर से मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ ठीक है बताओ भाई तो एक बार चेक कर लेता हूं मैं ठीक है कि एक मिनट का टाइम मैंने लगाया था और आई होप जितने बच्चे भी इस क्लास में होंगे उन सभी ने लगा दिया होगा तो मुझे लगता है कि एक काम करते हैं इनमें से मैं किसी पे भी परसेंटेज लगा देता हूँ आपका नंबर तो आ ही जाएगा मान लो यहाँ पर देखते हैं तो 40 परसेंट बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें परसेंटेज से पढ़ाना स्टार्ट करो परसेंट बच्चे कह रहे हैं कि चालीस परसेंट बच्चे कह रहे परसेंटेज से पढ़ाना शुरू करो और थर्टी सेवन परसेंट के आसपास बच्चे नंबर सिस्टम पे जा रहे हैं चलो अब एक काम करना इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप करके मुझे कमेंट्स में, में बताना भाई ठीक है कॉमेंट्स में बताना ठीक है जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो कमेंट करके मुझे बताना कि किस चैप्टर से क्लास की शुरुआत करी जाए ठीक है फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ठीक है चलो हाँ जी बिल्कुल अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा वो तो मैं पढ़ाऊंगा अपने हिसाब से लेकिन एक बार थोड़ा सा जो है ना वो चैप्टर मैंने रखे क्योंकि इन चैप्टर से क्लास की शुरुआत हम लोग कर सकते हैं आइए नेक्स्ट टाइप की तरफ देखते हैं सर अंडरवुड के अंदर एक नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है जैसे इसका कंसेप्ट समझो पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है सर इसका जो कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ये कहता है कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर अगर कोई नंबर अंडर रूट के अंदर अपने आप को रिपीट कर रहा है अगर कोई नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है अगर कोई नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है तो हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर वही होता है जो नंबर अपने आप को रिपीट करता है ठीक है ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लेकिन 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 कंसेप्चुअल क्लियरिटी हमारी क्लास में आपको डेफिनेटली मिलेगी ऐसा क्यों होता है उसका रीजन मैं आपको देता हूँ ठीक है दीक्षा सिंह कह रहे हैं सर अर्थमैटिक बोरिंग लगता है एडवांस पढ़ाइए थोड़ा सा सब्र करोगे तो मुझे लगता है कि आपको सब चीजें मिलेंगी है ना ही नहीं मिलती राही को मंजिल है भाई एक वावा कर दो फटाफट से यू ही नहीं मिलती राही को मंजिल एक जनून सा दिल में जगाना होता है है भाई आपके लिए एक बहुत प्यारी सी लाइन बोलता हूं मैं ठीक है यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना होता है पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा ये आशियाना पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा ये आशियाना बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार तिनका तिनका, तिनका उठाना होता है भरनी पड़ती है उड़ान बार बार तिनका, तिनका तिनका उठाना होता है यानी कि जो आपका आशियाना बनेगा ना आने वाले समय में जो आपका घर बनेगा जो आपकी बैकग्राउंड के अंदर एक सपोर्ट बनेगा तो वो पता कैसे बनेगा तिनका तिनका उठाना पड़ेगा आपको मैथ्स में इंग्लिश में रीजनिंग में जीएस में जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही एक मंत्र है जिससे कि आप रियल में अपनी लाइफ में क्या बेस्ट कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे मैं एडवांस मैथ्स भी पढ़ाऊंगा आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितना यहां पर क्लास में रिस्पॉन्स देते हैं कितनी आपकी डेडिकेशन मेरे को दिखाई देती है डेफिनेटली आई विल कंप्लीट द होल योर सिलेबस ठीक है आइए तो सर इसका जो कंसेप्ट होता है जैसे अंडर उड ग्यारह अंडर उठ ग्यारह अंडर ग्यारह अंडर उड ग्यारह अपू इन्फिनिटी मान लीजिए वैल्यू वाई के बराबर है एक बार मैं कंसेप्ट समझाता हूं आपको इसका है ना मैं इसका कंसेप्ट समझाता हूं ठीक है फिर समझना अब देखो सर अंडर उड ग्यारह अंडर उठ ग्यारह अंडर ग्यारह अंडर ग्यारह इन्फिनिटी अगर मैं यहां से बोलूं सर यहां से देखना जहां से मैं लाइन मार रहा हूं अंडर उठ ग्यारह अंडर ग्यारह अंडर ग्यारह अंडर ग्यारह अप टू इन्फिनिटी तो क्या ये भी मेरा वाई के बराबर होगा कि नहीं होगा आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल सही बात है ठीक है अब देखो सर ये अंडर रूट के अंदर क्या हो गया ग्यारह हो गया और यहां से यह वैल्यू वाई के बराबर है बराबर टोटल वैल्यू वाई थी अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर ये इलेवन वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर तो वाई से वाई कटेगा तो प्यारे दोस्तों इलेवन बराबर वाई के नहीं आ गया यानी इस पूरे की पूरी वाई की वैल्यू जो है वो इलेवन आ रही है कि नहीं आ रही दिस इज द कंसेप्ट एक्चुअली में ये कंसेप्ट होता है ये तो चीजें याद करनी है ही ही आपको आपको मैंने आपको पहले ही बोला ये तो आपको याद करना है है लेकिन जो तो भैया रटी रटाई चीजें पता लग जाएगा कुछ टाइम के बाद तो आज तो मैं आप लोगों को खिला रहा हूं वो कहते हैं ना जब बच्चा नया नया आता है तो उसको खिलाओ तो अभी मैं तुम्हें खिला रहा हूं पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें कल से बढ़िया वाला एकदम बिल्कुल जबरदस्त पिचासी परसेंट बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है एट्टी फाइव परसेंट बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है आगे बढ़ते हैं जरा इसका आंसर बता दो खिलाड़ियों चलो भैया बिगनर नो ठीक है फटाफट से बताइए क्या आंसर बनेगा फटाफट से बताओ क्या आंसर होगा जी इसका शाबाश जल्दी से बताइएगा अंडर 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 तेरा ना ना मेरा सर सत्रह ही इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि जो नंबर अपने आप को रिपीट करता है अब आपने एक चीज मुझे बताना इस क्वेश्चन के आंसर को तो तुम धुआंधार तरीके से लगा ही सकते थे मुझे पछे से पता था कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन की जो एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन की जो एप्लीकेशन है उसको कैसे पूछता है एग्जामिनर वो बताऊं आपको बोलो यस और नो इस क्वेश्चन की एप्लीकेशन एग्जाम में कैसे पूछी जाती है क्या उसके लिए रेडी हो देखो ये तो बच्चों वाली चीज है मतलब ये अगर मैं आपको बोलूं तो आज भी जैसे कोई रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम आ गया कोई जीडी का ग्रुप डी का एग्जाम आ गया है ना कोई ओपन भर्ती आ गई अग्निवीर के एग्जाम्स हो गए उसमें आज भी ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है तो मैंने आपको बोला कि मेरी जो क्लास है वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होती है ठीक है डी के क्वेश्चन है हाँ ना विषय हाँ तो बिल्कुल <laughs> बात समझ में आ गई तो वैसे तो डी ऑप्शन मुझे लगता सौ परसेंट बच्चों ने लगा दिया होगा और नाइनटी सेवन सिक्स टू यानी कि चलो आगे बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से करना गलती मत करना पहले बता रहा हूं टाइम एक मिनट का दूंगा लेकिन करना आराम से बताओ भाई चलो फटाफट बड़ से बताओ इस क्वेश्चन सर एस एस सी का पेपर कब तक होगा बता देंगे आपको थोड़ा सा समय दो आप लोग ठीक है अभी जैसे ही एग्जाम का कुछ एक्सपेक्टेड चीजें निकलती है तो आपसे जानकार, आपकी जानकारी से पहले हमें जानकारी मिल जाएगी और हम आपको डेफिनेटली बता देंगे बताओ क्या आंसर बनेगा इसका ध्यान से करना क्वेश्चन जरा है ना अब इस बार इसकी एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन का मतलब होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एप्लीकेशन का मतलब होता है उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन अंडर उठ सात अंडर उठ सात अंडर उठ सात इन्फिनिटी बराबर तीन की पावर वाई माइनस में एक है आपको वाई का मान बताना है भाई क्या बनेगा बराबर से बोल दो अब देखो ये बात आप सभी को पता है कि सर अंडर उठ सात अंडर उठ सात अंडर उठ सात अंडर उठ सात जो है सात होगा सात होगा तीन जो होता है वो सात की पावर तीन होता है और साथ में क्या है सर? वाई माइनस में एक लिखा हुआ है है ना वाई माइनस में एक तो लिखा हुआ है तो अगर मैं यहां पर सात की पावर एक तो लिख सकता हूं अब ये बताइए अगर बेस सेम है अगर बेस सेम है तो पावर को कंपैरिजन कर सकते हैं अगर आधार सेम होंगे तो पावर की तुलना हो सकती है कि नहीं हो सकती ठीक है आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है तो यहां पर क्या हो गया वन बराबर जो है वन है वो बराबर में थ्री ब्रैकेट में वाई माइनस वन के बराबर हो गया है ना ऊपर ऊपर कंपैरिजन हो गया ये तुलना हो गई तो तीन को जब इधर लाएंगे तो ये एक बटा तीन बराबर में वाई माइनस में एक माइनस का एक इधर लाओ तो प्लस का एक हो जाएगा बराबर वाई तीन एकम तीन और एक चार बटे तीन तो वाई का जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी फोर बाई थ्री बोलो भाई समझ में आया कि नहीं ये होते हैं देखो इस तरीके से एग्जामिनर घुमाता है चीजों को ठीक है ये तो हर कोई जानता है ये तो हर कोई जान रहा है रूट ग्यारह रूट ग्यारह रूट ग्यारह ग्यारह आ गया रूट सत्रह रूट सत्रह रूट सत्रह सत्रह मैंने एक छोटी सी फॉर्म बता दी कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अपने आप को रिपीट करेगी तो आंसर वही होगा जो रिपीट होगा लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना थोड़ा सा गलती होने के चांस हो जाते हैं आपने देखा इस क्वेश्चन में नाइन्टी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में नाइनटी बच्चों ने क्वेश्चन सही लगाया था अब इसकी परसेंटेज बताओ जरा क्या है अब देखो जरा है ना आ जाओ ये देखो छप्पन परसेंट आ गया ना आंसर छप्पन परसेंट बच्चों का आंसर सही है क्यों है पता है आपको मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं अपनी क्लास में आपको फील करा दूंगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है किस तरीके से काम करना है पैंतालीस बच्चों का यह आंसर सही है और गड़बड़ कर दिया इकतीस परसेंट दस परसेंट यहां पर आ आगे आप सभी को पता होगा कि आपने क्या आंसर निकाला है नाम लिखने की जरूरत नहीं है कई बच्चे बोलते हैं नाम बोलो सर नाम बोलो भाई नाम की बोलने की जरूरत ही नहीं है हम तो आपको यही बैठे बैठे फील कराना चाहते हैं कि आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है दीपांशु रावत जी कह रहे हैं, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ठीक है भाई अगर आपको हमारी बात समझ में आती है तो रेगुलर आएंगे और अभी तो शुरुआत है अभी तो काफिला और बड़ा करना है ठीक है आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब ये क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन का जजमेंट करते हैं कितने बच्चे चीजों को जानते हैं और एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस कंसेप्ट में कैसे काम किया जाता है वैशाली कह रहे हैं सर जी वाले बैच के क्वेश्चन हो रहे हैं रिविजन भी हो रही है अच्छा चलो ठीक है अच्छी बात है देखो मैंने आपको बोला स्टूडेंट मस्ट बी सेल्फिश स्टूडेंट को सेल्फिश होना चाहिए कैसे भी मिले कैसे भी मिले मस्त मिलना चाहिए बस बढ़िया बनना चाहिए पढ़ने के लिए देखो मेरे भाई अगर आप इस क्वेश्चन को समझते हैं तो सर एक कंसेप्ट होता है कि अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू अपने आप को जब रिपीट करती है अंडर रूट के अंदर जब कोई वैल्यू अपने आप को रिपीट करती है और वो इन्फिनिटी तक होती है तो उसका आंसर तो वही बन जाता है लेकिन जब कोई वैल्यू अपने आप को लिमिटेड टाइम के लिए रिपीट करते हैं जैसे मान लो अंडर रूट रूट अंडर ये ये तीन है तो डिफरेंट होता है जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये एक डिफरेंस है एंड दिस इज द ऑल अबाउट योर कंसेप्चुअल क्लियरिटी कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी आप लोगों की क्या है अगर मैं आप लोगों को ये बोलता हूं कि ये मुझे बताइए कि सर अंडर रूट का मतलब क्या होता है तो आप बोलेंगे सर एक्स की पावर एक बटा दो क्या ये बात आप जानते हैं आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हो है सरकारी नौकरी की हम तैयारी कर रहे हैं इतनी सी बात हम नहीं जानते होंगे क्या कि अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर एक बटा दो होता है चलो बहुत बढ़िया ये तो मैं चाहता हूं कि आपको पता हो लेकिन मुझे बताइए कि अगर यहां पर दो लिखा हुआ है तो दो से एक वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी आप बोलेंगे जी सर अब देखिए सर अगर मैं यहां पर दो का पहाड़ा पढ़ता हूं ध्यान से देखना भाई मेरे भाई आंसर बाद में निकालेंगे सर अगर दो का पहाड़ा पढ़ता हूं दो दो दूनी चार और चार दूनी आठ तो दो का पहाड़ा क्यों पढ़ते हैं क्योंकि सर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है, को करती है तो आपको दो का पहाड़ा पढ़ना दो का आप सभी को पता है तो इसका x की पावर सात बटे आठ बोलो समझ में आया कि नहीं एक एग्जाम्पल और दे दू मान लीजिए वाला क्वेश्चन था आपके सामने मान लीजिए एक प्रश्न अगर मैं बोलता हूं कि सर इस तरीके से लिखा हुआ है कि रूट के अंदर एक्सपुर अंडर रूट के अंदर एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स और अंडर रूट के अंदर एक्स इस तरीके से तो क्या करेंगे सर दो दूनी चार चार दूनी आठ और आठ दूनी सोलह ठीक है इस तरीके से काम करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्स और यहां पर पावर बनेगी सोलह सोलह से एक कम पावर तो कितनी हो जाएगी पंद्रह तो x की पावर पंद्रह बटे सोलह आई होप मुझे लगता है सभी लोगों को अब इस क्वेश्चन की जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो बिल्कुल बेस्ट तरीके से समझ में आ गई होगी ठीक है क्लियर हो गया अब देखो भाई आइए सर दो दुनी चार आठ सोलह दुनी बत्तीस बत्तीस दूनी चौसठ और चौसठ दूनी एक सौ तो सर तीन की पावर यहां पर एक सौ और 128 से एक कम एक बोलो भाई कमेंट सेक्शन में एक बार दिलों की बौछार बना दीजिए कि सर बिल्कुल मजा आ गया है और चीजें समझ में आ गई है बोलो क्लियर है कि नहीं तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा तीन की पावर एक सौ बटे में एक सौ अट्ठाईस एग्जाम्पल दे दे के आपको समझा दिया कि सर इसके बीच में क्या डिफरेंस है और यहां पर क्या डिफरेंस है बोलो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे सभी मेरे दोस्त अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है हमारी दिल की बात आप तक पहुंच पा रही है तो आप एक बार सेशन को लाइक करके अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा कि सर हाँ क्लास में आए थे अटेंडेंस भी लगा दी है और बिल्कुल समझ में आ रही है चीज़ें प्रणाम भाई प्रणाम सभी को प्रणाम सभी को नमस्ते भाई सभी को नमस्ते तो ये क्लास का टाइमिंग मैंने स्पेशली मैंशन किया है ऊपर एस एग्जाम में सफलता के लिए वो तो आपको आपको ही पता लग जाएगा कि सफलता मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है कुछ क्लासेस के बाद और ये यहां पर आपको क्लास मिलती है रोज सुबह नौ बजे ठीक है तो जिन बच्चों को टाइमिंग नहीं पता है उनके लिए टाइमिंग मैंने यहाँ लिखा हुआ है सुबह नौ बजे आप लोगों को ये क्लास जो है आपको इसी सेम यूट्यूब चैनल पर मिलेगी फटाफट बड़ से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा अच्छा पिछले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए था ना तो ए आंसर लगभग अस्सी परसेंट बच्चों का आंसर सही था एट्टी परसेंट बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया था एस एस सी सी एच एस एल एम टी एस की हाँ बिल्कुल नौ बजे मिलेगी क्लास भाई ठीक है भाई चलो अब इसका आंसर बताइए फटाफट से बोलो भाई शाबाश फटाफट से बताइए बताओ बताओ शाबाश क्या आंसर होगा इसका बताइए हां जी इसकी रिकॉर्डेड क्लास आप इसको बाद में भी देख सकते हैं इसका जो प्लेलिस्ट है वो आपके सेम जो चैनल है एसएससी वाला उस पर आप प्लेलिस्ट बन जाएगी क्लास नंबर वन क्लास नंबर टू क्लास नंबर थ्री इस तरीके से तो आप लोग लगातार इन क्लासेस को फॉलो भी करते रहिए और इसका जो पी है यानी कि सोल्यूशन के साथ वो भी आपको बताऊंगा मैं ठीक है चलिए अब देखो सर ये हो जाएगा दो धूनी चार चार दूनी आठ आठ दूनी सोलह सोलह दूनी बत्तीस और बत्तीस दूनी चौंसठ है ना तो अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से एग्जाम के अंदर जो है वो क्रैक कर सकते हैं और ये एग्जाम से आराम से क्रैक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर इस क्वेश्चन का राइट right आंसर बन जाएगा ठीक है क्लियर हो गया है सभी को तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी और ऑप्शन नंबर डी लगभग 87 परसेंट बच्चों का आंसर बिल्कुल यहां पर सही है 87 परसेंट बच्चों ने इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल करेक्ट लगाया है ठीक है

और जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये क्लास देखी है उनको पता लग जाएगा आज की क्लास में ही कि जो क्लास है ये एस एस सी एग्ज़ाम्स ऐसे ही नहीं लिखा हुआ ना सिलेक्शन भी आपको पता है कि एस एस सी में सिलेक्शन रेट क्या हो चुका है तो उसी हिसाब से आप लोगों को ये क्लास भी देखने को मिलेगी चलो फटाफट बताइए शाबाश क्या आंसर बनेगा इसका कितने बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं बढ़िया तरीके से बोलो अब मैं आपको समझाता हूं कि आप कहां पर क्या गलती कर रहे हैं और किस तरीके से आपको और मेहनत करने की यहां पर नीड है देखो आप सभी को पता सर अंडर रूट क्यूब के अंदर चौंसठ क्यूब के अंदर चौंसठ क्यूब के अंदर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो मान लीजिए इस वैल्यू को आपने वाई मान लिया थोड़ी देर के लिए इस वैल्यू को वाई मान लो अब एक काम करो कॉपी पेन को नीचे रख दो और जरा बोर्ड पर आ जाइए सभी लोग मेरी बात को मान लो ठीक है कॉपी पेन नीचे रखो फटाफट से पहले एक बार रख दो तभी समझ में आएगा नहीं तो फिर बाद में परेशान हो जाओगे ठीक है अब देखो जरा सर अगर ये क्यूब रूट ऑफ चौंसठ क्यूब रूट ऑफ चौंसठ क्यूब रूट ऑफ चौंसठ अप टू इन्फिनिटी है तो यहां से अगर आप बोलेंगे सर क्यूब रूट ऑफ चौंसठ क्यूब रूट ऑफ चौंसठ क्यूब रूट ऑफ चौंसठ इन्फिनिटी तो ये वाई तो है है ना अब देखो तो सर यहां लिखा आपने क्यूब रूट ऑफ क्या चौंसठ और ये हो जाएगा वाई बराबर वाई के बराबर दोनों तरफ अगर क्यूब करोगे क्यूब बोथ साइड यानी दोनों तरफ घन करने पर क्यूब बोथ साइड तो यहां पर सर जब करोगे तो ये हो जाएगा चौंसठ वाई और ये क्यूब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा वाई का क्यूब बोलो बात समझ में आ रही है आप बोलेंगे जी सर तो सर वाई से वाई कटेगा यानी वाई स्क्र बचेगा तो वाई की वैल्यू वाई की वैल्यू अगर चौसठ है तो क्या वाई का मान आठ नहीं आ जाएगा बोलो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली जो आपके एग्जाम के अंदर आता है अब एक बार मैं सभी मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों से पूछना चाहूंगा कैसी रही आज की क्लास कैसी रही आज की ये क्लास और कैसा लगा आपको इस पूरी क्लास को अटेंड करने के बाद कुछ सीखने को मिला रटना नहीं है मैं पहले ही बता देता हूं आप सभी को बताता हूं रटना नहीं है जिन बच्चों ने इस पूरी क्लास को फॉलो किया है उन सभी को पता लग चुका होगा कि सर ये क्लास जो है कितनी बेनिफिशियल थी अब बात आती है कि सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लेना है ठीक है एक बार बी ऑप्शन था ना उसका राइट आंसर तो बी ऑप्शन लगाने वाले सत्रह बच्चे थे मात्र सिर्फ सेवनटीन बच्चों ने सही आंसर लगाया था उस क्वेश्चन का ठीक है तो कल की क्लास में मैं क्या पढ़ाऊं क्या ना पढ़ाऊं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा ठीक है जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो ऑफलाइन कमेंट छोड़ देना ताकि उनको बाद में मैं रीड कर सकूं ठीक है जैसे ही वीडियो एंड होगा उसके बाद कमेंट कर देना पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है आप लोगों का जिस पर मेरी सारी क्लासेस के लिंक आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलेंगे विद सोल्यूशन तो इसका स्क्रीन खींच के मोबाइल से स्कैन कर लेना या फिर मैथ्स बाय रविंदर सर के नाम से सर्च कर लीजिए ठीक है तो आई होप मुझे लगता है सभी लोगों को आज की क्लास मस्त जबरदस्त और बिल्कुल प्यारी लगी होगी अगली क्लास में आप लोग जरूर जाइएगा बाकी मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा कल सुबह नौ बजे और जो भी आप देखो अभी मत लिखो टॉपिक का नाम ठीक है आप टॉपिक का नाम अभी मत लिखिए क्योंकि इतने सारे कमेंट्स जा रहे हैं तो मैं नहीं समझ पाऊंगा आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना कि सर ये आप लोग ये चैप्टर आप पढ़ाइए और कल फिर मैं उसी हिसाब से आप लोगों की क्लास जो है लेके आऊंगा उम्मीद आशा कि आपको मेरी क्लास मस्त लगी होगी क्लास अच्छी लगी है तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना सेशन को प्यार देकर यानी कि लाइक कर कर और बाकी लोगों को बताइएगा कि अगर सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो 9 बजे डेडिकेटेड मैथ्स की क्लास आप लोगों को मिलती है और पूरा एसएससी वाले चैनल पर पूरा शेड्यूल आप लोगों को देखने को मिल रहा है ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय बाय जय हिंद जय भारत धन्यवाद थैंक यू